तो देखिए, हिंदू एकता पदयात्रा का 8वां दिन है आज और बाबा बागेश्वर के साथ हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। निवाड़ी से ओरछा के लिए आज पदयात्रा बढ़ेगी, 15.5 किलोमीटर चलेगी ये बाबा की पदयात्रा और ओरछा में लाखों लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। ओरछा तिराहे पर रात्रि विश्राम होगा। लगातार 7 दिनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, भीड़ जनता की देखी जा रही है और उत्साह भी जोरों पर देखने को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का आज 8वां दिन है और आज ये पदयात्रा ओरछा में प्रवेश करने वाली है। ओरछा तिराहे पर रात्रि विश्राम होगा और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरें बेहद खूबसूरत इस यात्रा से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, आज रात्रि विश्राम होगा और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पैदल पदयात्रा में इंसान तो इंसान, जानवर भी अपना सहयोग दे रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर यात्रा के 7वें दिन निवाड़ी में नजर आई, जहां पिछले तीन दिनों से गाय का बछड़ा पैदल यात्रा के साथ साथ चल रहा है। मऊरानीपुर से साथ चल रहे इस बछड़े को जो भी देख रहा है हैरान हो जाता है। बछड़ा उसी जगह आकर रुक जाता है जहां सभी पैदल यात्री रात्रि विश्राम करते हैं। कई बार सुरक्षा कर्मियों ने बछड़े को पंडाल से बाहर भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पंडाल में आकर ही रुकता है और ये देखकर लोग भी उसके साथ अब घुल मिल गए हैं। लोगों का कहना है कि गुरु जी के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा है कि वो भी पैदल यात्रा में अपना सहयोग दे रहा है। तो हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में इंसान ही नहीं, जानवर भी अपनी सहभागिता पूरी निभा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार चल रही इस यात्रा में मैंने तरह तरह की कहानियां देखी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मेरे सामने हैं ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली हैं। ये बताती हैं कि किस तरीके से आस्था के प्रति इंसान तो क्या, जानवर भी समर्पित हो जाता है। इस समय जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर इन तमाम पैदल पदयात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था की गई है। यानी कि इस पंडाल के नीचे आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है विश्राम कर रहे हैं, उनके लिए गद्दा यहाँ पर बनाया गया है, बिछाया गया है, टेंट लगाया गया है। लेकिन उसी जगह पर भी यही गाय की जो बच्चा है ये यहाँ पर बैठा हुआ है। इनके साथ ही वो चलता है, इनके साथ ही वो घूमता है और इनके साथ ही वो विश्राम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो इस बच्चे को लगातार देख रहे हैं। कितने दिन से ये है आप लोगों के साथ? ये 3 दिन से चल रहा है हम लोगों के साथ में। हाँ, 3 दिन से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। जो जिसको खिला देता है आराम से खा देता है। और पिछले पंडाल का जहाँ गुरुदेव की पंडाल लगी थी वहाँ जाके बैठ भी गया था। हाँ। तो वहाँ गुरुदेव ने थोड़ा वो उसके संबोधन के लिए बाहर किया, लेकिन फिर भी वहाँ से साथ में चलता आ रहा है। हाँ, कहीं जाता नहीं है ये? नहीं जाता है, सबके पीछे पीछे आ रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। यात्रा के साथ ही साथ चल रहा है। बहुत हैरानी की बात है क्योंकि जो जानवर होता है वो बहुत ज़्यादा जो इंसान होते हैं उनके बीच में एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ मेरे आसपास तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो गाय है ये बहुत शांति से यहाँ पर बैठी हुई है। कोई ना कोई आक्रामकता, ना कोई रिएक्शन, और आप देख सकते हैं कि बड़े प्यार से लोग जो है इसे सहला रहे हैं, इसके आसपास बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। क्या कहें इसे कहने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।